सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है 14th ऑफ नवंबर और कल है मेरा पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का पेपर है। मैंने सोचा था कि 4 यूनिट है और 4 घंटे में हो ही जाएंगे, एक एक घंटा मैं दूंगा। तो यहाँ टोटल में आधा यूनिट भी नहीं हुआ और 4 यूनिट तो दूर की बात है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। ऊपर से कल पेपर है, ऊपर से बज रहे हैं 11:30 और कुछ ही घंटे रहते हैं पेपर के लिए। रात के बज रहे हैं 12:30, इस टाइम भी मुझे कुछ नहीं आता। काफ़ी स्ट्रगल चल रही है पढ़ने के लिए, पर पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो यही है एक आखिरी सहारा जिसके सहारे मैं मतलब अपना सिलेबस शायद से कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं अब डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट सर्च करूँगा और देखूँगा कि लोगों ने क्या क्या लिखा। एक बंदे ने लिखा है कि क्वेश्चंस को देखो ही मत कि क्या, जो आंसर आता लिख दो। ये अच्छा तरीका, स्टेप मार्किंग तो वैसे भी है ही, मार्क्स मिल ही जाएंगे। नाइस आइडिया। दूसरे बंदे ने लिखा है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, वो तो आने हैं ही। सही बात है भाई, ये है आइडिया दमदार, ये हो सकता है। और देखते हैं। एक और तरीका मिला, यहाँ पे लिखा है कि 5 से लेकर 8 बजे तक आपने पढ़ना हार्डेस्ट चैप्टर, पर आपको क्या पता कि हमारे बुक में सारे ही हार्डेस्ट हैं। दूसरे महाशय ने लिखा, दोस्त के पास जाओ जिसको सारा सिलेबस आता है। म्यूजिक तो इतने सारे सॉल्यूशन ढूंढ के कुछ नहीं मिला, बस टाइम वेस्ट किया। तो करते करते 2:30 बज गए हैं, अब 2:30 बज गए हैं, फिर 3 बज जाएंगे, 3:30, ऐसे ऐसे करते सुबह आ जाएगी, फिर पेपर आ जाएगा। अब एक ही ऑप्शन है, सो ही जाता हूँ। तो मिलते हैं फिर आपसे सुबह। गए, 8 hours later. सुबह हो गई हुई है। तो आज है मेरा पेपर। अभी जस्ट मैंने एक हॉस्टल डेज का सीजन 2 जस्ट अभी ख़त्म किया। हाँ सही बात है, मतलब अभी जस्ट ख़त्म किया और मतलब पेपर है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है और कुछ भी नहीं आता। अब पेपर देने तो जाना ही है और शायद से मैं किसी के घर जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो वहीं पे पढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे रास्ते में फिर। आ गए उसकी दुकान पे तो क्या बोलती पब्लिक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू व्लॉग। आज हमारा लास्ट पेपर और अभी पेपर की पढ़ाई चल रही है, इसके बाद हम पेपर देने जाएंगे। उसके बाद हम बिना ही वुल्फ बन के आया हुआ है। ये क्या है भाई? ये भाई हम हैं ही वुल्फ। वुल्फ को खा दिया क्या? वुल्फ बने करे तू? ये तो वुल्फ होते भाई, वुल्फों को भी खांसी आती है, ऐसी बात नहीं है। इधर इधर वुल्फ, इधर ये क्या है भाई? लोग सच्ची बात बताता हूँ, पिछले 15 दिन में हम हार्डली हार्डली 1.5 घंटा भी नहीं पढ़े भाई। तेरे का बर्थडे भी तो था, पढ़ते कैसे? सही नहीं, तेनू हैप्पी बर्थडे ते, दफा हो जा। पार्टी की तरह मेरी पार्टी, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं, इन वकीलों को मैं खिलाता हूं, तुम लोगों मेरे से मांग रहे हो। यारी कितनी हो गई है ये? बस ये व्लॉगर वगैरह कैमरा अपने गुजारने ना है तो आधे घंटे में सारी तैयारी हो जाए। तैयारी हो नहीं रही है, तैयारी कितनी हो गई है आपकी? दिख नहीं रहा साले, फटी पड़ी हुई है। तैयारी कितनी हो गई है आपकी? अब तो बंद कर दे शर्म खा के। ओके गाइस, तो मैं जा रहा हूँ क्लासरूम में। आज पेपर फाइनली खत्म है, तो कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा पढ़ा इतना कि अब याद ही आ रहा कुछ। इतनी गंदी शक्ल, बदल दो मेरा तो प्यारा सा चमत्कार।
आज फाइनली पेपर खत्म है। खुश है तू? खुश तो है लेकिन पता नहीं पेपर पास होना चाहिए ना। शक्ल से तो लग नहीं रहा। मैं आपको क्या देख कोई आया वो तो दफा कर सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। भाई तेरे को कहीं डर तो नहीं ना लग रहा? माँ शक्ति दे माँ। सारे हमारा पेपर 10 मिनट में स्टार्ट है, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में, उसके बाद ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। ओके बाय गाइस, बोले वो सावधान रहे सतर्क रहे, सावधान रहे सतर्क रहे, जय हिंद जय भारत। तो गाइस अभी बज रहे हैं 159 और मैं कैलकुलेटर लाना बिल्कुल भूल गया था। ये भी शंकनु खुद भूल गया हूं कैलकुलेटर। अभी हम ला रहे हैं, 1 मिनट में पेपर स्टार्ट है। गंदी वाली बच्ची भाई है, काफी स्ट्रगल हम कर रहे हैं। टप 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 भाई सही में भाई भूल ही गया था यार भाई। मैं ले लिया हमने, जो 2:05 हो गया बस पेपर जा रहे हैं। खा के चलें कुछ? चलते चल खाते पहले, आज चलते हैं डोमिनोज चलते हैं, फनवेट चलते हैं। चलते चला जा कुछ गाइड मजाक कर रहे सीरियसली बना। तो हम कॉलेज में हो गए एंटर कैलकुलेटर के साथ, जा रहे पेपर देने। चल तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर पेपर के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हेलो गाइस, अभी ये भैया आते हुए, भैया हेलो गाइस। भैया की टोटली बुरी हालत है आज, भैया का जाते हुए भैया की को मैं क्या होता हूँ, भैया की आज क्या हालत है भैया? ये इधर भैया की हाथ से फट गई गाइस। पेपर अब हो गया हुआ है। हाँ जी, अब मतलब दिल के अरमान अब फट चुके हैं, आंसुओं में बह गए भाई। दिल के मान फट गए हैं, आंसुओं में मेरे वाले फट गए हैं। इसके पर मेरा सेक्सी है ब्रो, सही है सेक्सी है, सही सही पेपर था बस। मतलब अब नॉर्मल अब हो गया, अब मतलब ये है कि अब फिर से देने हैं गाइस, फिर से देंगे साथ में, देंगे समझाऊंगा मैं, देखो टेंशन नहीं, कोई चक्कर नहीं, मैं तेरा साथ पक्का दूंगा। भाई कैसे पेपर? कैसे पेपर? सांस तो लेने दे पहले, लेना सांस तो ले। ठीक था मतलब अच्छा हुआ, नहीं कुछ नहीं कह सकते मतलब भगवान भरोसे, भगवान के बहुत भरोसे है, रामचंद्र जी के भरोसे हैं। अच्छा एक चीज़ बंद कैसे कुछ ही नहीं, अब पेपर खत्म हो गया, आपका प्लान है चले चिड़ी मेला? कैसे कैसे पेपर नहीं यार पास हो गया है? कैसे हो पेपर? मुझे चक्कर आ रही है, मैं कुछ ही बजा दूँ, उल्टी तो नहीं आ रही मेरे को, चक्कर आ रही है कुछ भी नहीं, सारा बाकी प्रैक्टिकल एक्यूरेट ओके है बस, और कुछ नहीं। बैलेंस शीट भी बना ली है? बैलेंस शीट वही कॉन्ट्रैक्ट की देखो देखो अभी पोज मारेगा एक, ठीक है भाई पास हो जाएंगे और मत पूछो, इतना बहुत है बस आज के लिए। बोल चूड़िया सुनो, पेन किसी को दे दिया कैसे हो पेपर? कैसे हो पेपर? दे दूंगा दोस्तों, तूने अभी ये कर रहा है, मुझे बना रहा है, मुझे जा रही है। रोना रोना इधर खुद को जा, खुद को करूंगा ना। कैसा पेपर? मतलब अब पेपर अब फाइनली सारे खत्म है, तो अब कितनी खुशी है आपको? खुशी कम है, मेरे को टेंशन है कि मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये भी बड़ा दुख है, मैंने तेरे को बताया नहीं बताया खत्म हो गया। अब भाई करेंगे पार्टी फ्राइडे, अब हम जा रहे हैं कांची के मोमो खाने। बीमार तो जीवन में है ना, चल रहा है कांची के मोमो खाने, तो हम जा रहे हैं कांची के मोमो खाने, लेट्स गो। ये कांची कहाँ मिलेगी यार?
ये यार कहाँ है ये कांची नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। लद्दाख तो नहीं चलेगी आइए ये मोमो खिलाने लगा था मैं लद्दाख से वापस आ रहा हूं मैं लद्दाख ही चलेगी वापस करने वालों का दुश्मन है जहाँ सो गाइस कांची के मोमो नहीं मिले बहुत बुरी खबर मैं घर पे जाके रहूंगा रो लेना यार रजाई पे जाके गाइस यार मेरा बड़ा मन था यार खाने का कोई नहीं नेक्स्ट टाइम मैंने उसके जुक पे वीडियो देखा था उसके एक काम करते हैं दो तीन दिन के बाद आएंगे दो तीन दिन के बाद पक्का यार पक्का जाएंगे मैंने व्लॉग को करना था यहाँ पे एंड पर एक इंसान मिल गया जिसने हमें रिव्यू नहीं दिया था कि पेपर कैसा हुआ तो क्या कहना चाहते हैं पेपर भाई आज का पेपर तो भाई बंदूक चलाई है मैंने कहाँ से जो इन फ्यूचर में चलानी है ना मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अंश व्लॉग्स को व्लॉग्स विद अंश को तो पता कैसे है वहाँ पे हाथ मार जो भी है निकाल दे नहीं भाई अभी मैं इस एटीएम से वो कर रहा था विड्रॉ कर रहा था ये बोलते हैं नो इनफ कैश क्या ही लूटूंगा भाई वो फिर कार्ड में भी तो होना चाहिए ना इतनी नहीं कैमरे के एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।